नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर के अंतर्गत आने वाले गांव दरियापुर में 3 दिन से लापता ऋषिपाल की हत्या करने में शामिल एक महिला सहित 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे व निशानदेही पर आला कत्ल, चाकू, 4 मोबाइल फोन व घटनाकारित करने में इस्तेमाल कार एवं मृतक के हाथ का कड़ा ब्लूटूथ बरामद हुई है। पूछताछ करने पर पता चला मृतक ऋषिपाल के संबंध ज्योति से 1-1.5 वर्ष से थे। इसी बीच ज्योति की दोस्ती शुएब पुत्र शमीम अहमद से हो गई थी। चूंकि मृतक ऋषिपाल से ज्योति दूरी बना रही थी, लेकिन ऋषिपाल पूर्व संबंधों को उजागर कर उसे बदनाम करने की धमकी देने लगा। यह बात ज्योति ने अपने दोस्त शुएब को बताई तो शुएब ने अपने दोस्त तारिक व ज्योति के साथ मिलकर ऋषिपाल को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। इसी क्रम में 28/9/22 को ज्योति द्वारा मृतक ऋषिपाल को फोन कर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बुलाया और स्वयं अपने दोस्त शुएब के साथ अल्टो कार से अपने हॉल निवास मेरठ से चलकर सेक्टर 70 नोएडा में शुएब के दोस्त तारिक के पास पहुंचे और उसे लेकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पर पहुंचकर ज्योति ने ऋषिपाल को बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और शुएब की ऑल्टो कार में बैठाकर दिल्ली से मेरठ बाईपास हापुड़ के सामने लाकर तीनों अभियुक्तों द्वारा चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर शव को बाजरे के खेत में फेंककर फरार हो गए थे। आपको बता दें, ऋषिपाल की लाश हापुड़ के पास मेरठ बाईपास जंगल में मिली थी। सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया था। बताया जाता है ऋषिपाल 35 वर्षीय डेकोरेशन का काम पंजाब में किया करता था। 3 दिन पहले घर से कहकर दिल्ली के लिए गया था। परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना नूरपुर में दर्ज कराई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर के अनुसार जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए हापुड़ पुलिस ने ऋषिपाल की हत्या में शामिल युवकों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार हुए हत्यारों से हत्या की वजह का भी खुलासा हो गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। धामपुर से हमारे संवाददाता इजरार अहमद की रिपोर्ट। सर, यहां पुलिस ने गिरफ्तारी की है, क्या खुलासा है? ये दिनांक 29/9/22 को जो मेरठ हापुड़ बाईपास है, इसमें धनोरा कट के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली थी खेत में, और इसमें अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में। इसमें जो सर्विलांस टीम और थाने की टीम इसमें लगी हुई थी, इस जो व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसकी पहचान ऋषिपाल सैनी, जो कि बिजनौर जनपद में नूरपुर थाना क्षेत्र में दरियापुर गांव का रहने वाला था, उससे उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद जब पुलिस ने उस पर काम किया तो इसमें ये प्रकरण निकल के आया कि इस व्यक्ति का, एक ज्योति नाम की लड़की थी, उससे इसकी दोस्ती थी और ये उसी से मिलने दिल्ली गया था। जब इसके साथ वो दिल्ली में मौजूद था तो उस लड़की के द्वारा दो उसके अन्य साथी, जिसमें एक का नाम शुएब और दूसरा तारिक जो कि बिजनौर के ही रहने वाले हैं, उनको वहाँ पे बुला लिया और फिर जो मृतक है उसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला के अपनी गाड़ी में, ऑल्टो गाड़ी जो इन्होंने यूज़ की थी घटना में, उसमें उसको लेके आए और हापुड़ बाईपास पे खेत में ये वॉशरूम के बहाने वहाँ उसको नीचे लेके गए और वहाँ पे चाकू से उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी। इसमें जो मेन हत्या का कारण जो आया है उसमें ये आया कि जो ज्योति है वो उसकी फ्रेंडशिप मृतक के साथ थी और जो शुएब था उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी और इसी को लेके इनका आपसी विवाद हुआ था, उसी के चलते इन्होंने इसकी हत्या की है। मलिक बिग व्हील, अब कार खरीदना बेचना हुआ आसान, फेस्टिवल ऑफर, बिजनौर रोड जलालाबाद, निकट चौकपुरी कॉलोनी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें 9045474040। दिवाली की शुभ शुरुआत कीजिए सुपर टेक के इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। नो पोल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, मात्र 15 रुपये में 100 किलोमीटर का खर्च 3 साल की बैटरी वारंटी के साथ। दिवाली पर टीचर, स्टूडेंट, डिलीवरी बॉय, लॉयर व गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्पेशल डिस्काउंट, साथ ही 5000 किलोमीटर तक 3 फ्री सर्विस, 5000 का फ्री गिफ्ट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, नो कॉस्ट, नो ईएमआई। मौके का फायदा उठाए, जल्दी आए जल्दी पाए। पता राज ऑटोमोबाइल, अदब सिटी, मालन नदी के पास, नजीबाबाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।